Today, in the subject of the manufacturing technology, we discuss about the failure of the cutting tool and the tool life. How the failure of the cutting tools and tool life will be taken place. This will be discussed today. State how the cutting tool fails. State the mechanism and the pattern of the tool wear. Ascertain the essential property of the cutting tool material, define and assess the tool life, develop and use of the tool life equation. Failure of the cutting tool, smooth, safe and economic machine necessitate. Reduction of the rate of the wear to tool its life. The cutting tools generally fail by the mechanical breakage. जो कटिंग टूल जो आपको फेल करता है मेनली मैकेनिकल ब्रेकेज होता है ड्यू टू द एक्सेसिव फोर्स एंड द शॉक्स. एक्सेसिव फोर्स लगता है और शॉक्स लगता है उसके द्वारा ये फेल होता है. सच काइंड ऑफ द टूल फेलोअर इज रैंडम एंड द कस्टोटिफिक नेचर हैंस आर एक्सट्रीमली डिटर्मिनेटल. जो मैकेनिकल ब्रेकेज हो रहा है वो आपको एक्सेसिव फोर्स लगता है कटिंग टूल पे कटिंग करने के टाइम में उसी से फेल होता है. मैकेनिकल शॉक्स लगते हैं उसी से आपको आपको फेल होता है ना. क्यूक ड्यूलिंग बाय द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू द इंटेंसिव स्ट्रेसेस एंड द टेम्परेचर. टेम्परेचर काफी आपको राइज कर जाता है ड्यूरिंग द मशीनिंग कंडीशन तो आपको जो जो कटिंग टूल है वो आपको रैपिडली फेल कर जाता है एंड क्वाइट डिटर्मेंटल एंड अनवांटेड है ना. इंटेंसिव स्ट्रेस लगता है. इंटेंसिव स्ट्रेसेस जो है वो आपको कटिंग टूल पे लगता है उससे जो है आपका कटिंग टूल आपको फेल कर जाता है. तो ये तीन कारण है कटिंग टूल का आपको फेल्यूअर का. ये तीन कारण आपको बताए गए हैं. एक तो मैकेनिकल ब्रेकेज ड्यू टू द एक्सेसिव फोर्स एंड द शॉक्स इसके द्वारा होता है. दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू द इंटेंसिव स्ट्रेस एंड द टेम्परेचर उसके द्वारा होता है. और तीसरा है ग्रेजुअल वियर ऑफ द कटिंग टूल एट इट्स फ्लैंक एंड द रेक सर्फेस. इसके फ्लैंक पे और द रेक सर्फेस पे ग्रेजुअल वियर होता है. उसके थ्रू जो है आपका टूल वियर होता है ना. द फर्स्ट टू मोड्स ऑफ द टेल टूल फेल्योर आर वेरी हार्मफुल नॉट ओनली फॉर द टूल बट आल्सो फॉर द जॉब एंड द मशीन टूल. दो आपका दो जो ऊपर का जो ब्रेकेज है ये आपको ज्यादा हार्मफुल है. और तीसरा जो है आपको ग्रेजुअल वियर है और इसको प्रिवेंट नहीं किया सकता है ना. इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता. कटिंग टूल जब आपको फेल हो जाता है तो इसको रीग्राइंड किया जाता है ना. देयर द टूल हैज फेल्ड और अबाउट फेल वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. ये आपको आरएनडी लेबोरेटरी में आपको चेक किया जाता है. टोटल ब्रेकेज ऑफ द टूल और टूल टिप ये आपको चेक किया जाता है. मैसिक फ्रैक्चर एट द कटिंग एज ये आपको चेक किया जाता है. एक्सेसिव इंक्रीज इन द कटिंग फोर्सेस एंड और वाइब्रेशन ये के चेक किया जाता है. एवरेज बियर फ्रैंक और कटर रीचेज इट्स द स्पेसिफिक लिमिट ये आपको चेक किया जाता है. इन मशीनिंग इंडस्ट्री एक्सेसिव बियॉन्ड लिमिट करंट और द पावर कंजप्शन ये इससे भी जो है आपको चेक हो जाता है. एक्सेसिव वाइब्रेशन एंड द अबनॉर्मल साउंड चैटर इससे भी आपको समझ में आ जाता है कि टूल आपका फेल हो गया है ना. ये सारे कंडीशन है जिससे पता चल जाता है कि टूल आपका फेल हो गया है. टूल आपका फेलोअर हो गया है ना. टूल ब्रेकेज ऑफ द टूल टोटल ब्रेकेज ऑफ द टूल हो गया तो आपका टूल फेलोअर हो गया. डायमेंशनल डेविएशन बियॉन्ड द टॉलरेंस हो गया तो आपका आपका टूल फेलोअर हो गया. रैपिड वर्सनिंग ऑफ द सर्फेस फिनिश हो गया तो आपका टूल फेल हो गया. एडवर्स चिप फॉर्मेशन हो गया
जब चिप फॉर्मेशन आपको एडवर्स होने लगता है तो टूल आपका फेलोअर माना जाता है। तो ये सारे कंडीशन है जिससे पता चलता है कि आपका टूल जो है आपका फेलोअर हो गया, है ना। टोटल ब्रेकेज ऑफ द टूल, मासिव फ्रैक्चर एट द कटिंग एज, एक्सेसिव इंक्रीज इन द कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स में ज्यादा जो है इंक्रीज हो गया, एवरेज वियर फ्लैंक ऑफ द कटर रीचेज इट्स स्पेसिफिक लिमिट, उससे पता चलता है, है ना। मैकेनिज्म एंड द पैटर्न ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग ऑफ द टूल बियर, है ना। फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग टूल बियर वन मस्ट अंडरस्टैंड द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ द बियर दैट द कटिंग टूल अंडरगोज अंडर द डिफरेंट कंडीशन। द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द कटिंग टूल बियर आर द मैकेनिकल बियर एंड द थर्मोकेमिकल बियर। मैकेनिकल बियर इज द थर्मल इंसेंसिटिव टाइप लाइक एब्रेशन चिपिंग एंड द डेलिमेशन, थर्मली सेंसिटिव टाइप लाइक एडेशन फ्रैक्चरिंग एंड द फ्लेकिंग एक्सेट्रा। थर्मोकेमिकल बियर माइक्रो डिफ्यूजन बाय द मास डिसोल्यूशन, माइक्रो डिफ्यूजन बाय द एटोमिक माइग्रेशन। केमिकल बियर होता है और गैल्वेनिक बियर होता है। ये जो है आपको कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द बियर है। डिफ्यूजन बियर एट द रबिंग सरफेस पार्टिकुलर द रेक सरफेस ग्रेजुअली डिफ्यूजेज इनटू द फ्लोइंग द चिप्स आइदर इन द बल्क और एटम बाय एटम व्हेन द टोटल मटेरियल हैज ए केमिकल एफिनिटी और द सॉलिड सॉल्युबिलिटी टुवर्ड्स द वर्क मटेरियल। डिफ्यूजन बियर बिकम्स प्रिडेंट व्हेन द कटिंग टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई ड्यू टू द हाई कटिंग वेलोसिटी एंड द हाई स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क मटेरियल। केमिकल बियर लीडिंग टू द डैमेज लाइक ग्रोइंग बियर मे अकर इफ द टूल मटेरियल इज नॉट इनफ केमिकली स्टेबल अगेंस्ट द वर्क मटेरियल और द एटमोस्फेरिक कॉजेस, है ना। तो ये आपको वियर किस तरह होता है यहां पर आपको आपको दिखाया गया है। ये आपको प्रिंसिपल फ्लैंक है, टूल का फ्लैंक है, ये आपको नॉच है, ये आपको दिखाया गया है, ये आपको क्रिएटर वियर है, आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, ये आपको ग्रूविंग वियर है, ये आपको दिखाया गया है, और ये आपको रेक फेस है, ये आपको दिखाया गया है, ये एक्जुलर फ्लैंक है, ये आपको दिखाया गया, ये सेक्शन ए आपको दिखाया गया, है ना। ज्योमेट्री एंड मेजर फीचर्स ऑफ द वियर ऑफ द टर्निंग टूल्स आपको यहां पर दिखाया गया है ना। द यूजुअल पैटर्न और ज्योमेट्री ऑफ द वियर टर्निंग एंड द फेस मिरिंग इंसर्ट्स आर टिपिकली शोन इन द फिगर। यहां पर आपको वियर हो गया है, ये आपको वियर का पोर्शन है, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। इसी को टूल फेल्यूअर कहते हैं, इसी को टूल वियर कहते हैं। टूल वियर यहां पर आपको यहां पर दिखाया जा रहा है ना। टूल वियर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ये इंसर्ट्स है, वियर पैटर्न ऑफ द फेस मिलिंग इंसर्ट आपको वियर पैटर्न का फिगर आपको दिखाया जा रहा है, मेन कटिंग एज आपको दिखाया जा रहा है, मेन कटिंग एज एवरेज वियर आपको दिखाया जा रहा है, इंटरमीडिएट कटिंग एज आपको दिखाया जा रहा है, प्लेनिसिंग एज आपको दिखाया जा रहा है, इंटरमीडिएट एज एवरेज बियर आपको दिखाया जा रहा है, प्लेनिसिंग एज एवरेज बियर VB3 आपको दिखाया जा रहा है ना। तो इन एडिशन टू द अल्टीमेट फेल्यूअर ऑफ द टूल द फॉलोइंग ऑल इफेक्ट्स आर आल्सो कॉज्ड बाय द ग्रोइंग टूल बियर। इंक्रीज इन द कटिंग फोर्सेस, कटिंग फोर्सेस में इंक्रीज हो जाता है जब टूल बियर कर जाएगा ना, जब टूल बियर कर गया है, ब्लंट हो गया है, तो कटिंग फोर्स ज्यादा लगेगा, कट करने के लिए जो है आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, उससे पता चल जाएगा कि आपका जो है टूल आपका बियर हो गया है और जो टूल सिग्नेचर है उसको जो है करने की जरूरत है, टूल सिग्नेचर को आपको ठीक करने की जरूरत है ना। पावर कंजम्पशन मेनली ड्यू टू द प्रिंसिपल फ्लैंक बियर, पावर कंजप्शन आपका इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज इन द डायमेंशनल डेविएशन एंड द सरफेस रेफरेंस मेनली ड्यू टू द वियर ऑफ द टूल टू, डायमेंशनल डेविएशन होने लगता है ना।
ऑड साउंड एंड द वाइब्रेशन, ऑड साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, वाइब्रेशन आपको ज्यादा होने लगता है, वर्सनिंग सरफेस इंटीग्रिटी वो आपको होने लगता है, मैकेनिकली वीकनिंग ऑफ द टूल ट्यूब ये आपको होने लगता है ना। तो ये आपको वर्सनिंग ऑफ द सरफेस इंटीग्रिटी होने लगता है, मैकेनिकली वीकनिंग ऑफ द टूल ट्यूब ये आपको होने लगता है ना। तो ये आपको टूल वियर के बारे में था, है ना। कैसे पता चलेगा कि आपका टूल वियर, आपका टूल फेल्योर आपको हो गया है ना। यहां पर आपको टूल फेल्योर आपको यहां पर बताया जा रहा है, मैकेनिकल वियर हो गया, थर्मोकेमिकल वियर हो गया, केमिकल वियर हो गया एंड द गैल्वेनिक वियर हो गया, है ना। ये आपको फ्रैक्चरिंग, एडिशन, प्लैंकिंग, ये आपको थर्मल सेंसिटिव टाइप का वियर है, थर्मल सेंसिटिव एब्रेशन हो गया, चिपिंग हो गया एंड डिलिमेशन हो गया, माइक्रो डिफ्यूजन बाय द मास डिस्कोल्सन, माइक्रो डिफ्यूजन बाय द एटोमेटिक माइग्रेशन, ये आपको थर्मोकेमिकल वियर है ना। ये आपको मैकेनिकल वियर के बारे में आपको यहां पर आपको बारे में आपको बताता है ना। तो टूल वियर, तो ये आपको टूल वियर के बारे में था। नेक्स्ट, एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल। टूल मटेरियल में क्या क्या जो है आपको प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे कि टूल वियर आपको ज्यादा नहीं हो। द कटिंग टूल नीड टू बी कैपेबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर द हायर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी एज वेल एज टू मशीन एक्जोटिक मटेरियल विच आर कमिंग अप विद द रैपिड प्रोग्रेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द कटिंग टूल मटेरियल ऑफ द डे फ्यूचर एसेंशियली रिक्वायर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये आपको प्रॉपर्टी आपको रिक्वायर्ड है टू रेसिस्ट और रिटार्ड द फेनोमेना ऑफ द अर्लियर टूल फेल्योर। टूल फेल्योर नहीं हो उसके लिए आपको ये आपको एसेंशियल प्रॉपर्टी आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे कि आपको टूल वियर आपको नहीं हो, है ना। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, इससे आपका टूल फेल्योर आपको अर्ली टूल फेल्योर आपका नहीं हो। फ्रैक्चर टफनेस होना चाहिए हाई और एटलीस्ट एडेक्वेट होना चाहिए, हाई हार्डनेस फॉर द एब्रिजन रेसिस्टेंस होना चाहिए, है ना। हाई हॉट हार्डनेस टू रेसिस्ट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड रिड्यूस वियर रेट एट द एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी और इनर्टनेस होना चाहिए अगेंस्ट द वर्क मटेरियल। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है एट द हाइयर टेम्परेचर आपका टूल का जो मटेरियल है, टूल जो है आपको आपको वर्कपीस के साथ में रिएक्शन ना करे, इनर्टनेस होना चाहिए एट द हाइयर टेम्परेचर, ये आपको उसके साथ में रिएक्शन नहीं करे, केमिकली स्टेबल होना चाहिए एट द हाइयर टेम्परेचर, टूल को काम करना पड़ता है तो आपको केमिकली स्टेबल होना चाहिए, इनर्टनेस अगेंस्ट द वर्क मटेरियल, वर्क मटेरियल के साथ में रिएक्शन ना करे, एटमोस्फेरिक गैसेस के साथ में काम नहीं करे, कटिंग फ्लूइड्स के साथ में आपको रिएक्शन नहीं करे, है ना। तो ये होना चाहिए, रेसिस्टेंस टू एडिशन एंड द डिफ्यूजन होना चाहिए, एडिशन से आपको रेसिस्टेंस होना चाहिए और रेसिस्टेंट टू डिफ्यूजन होना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको टूल में होना चाहिए, टूल मटेरियल जिससे कि जो है उसमें वियर नहीं हो। थर्मल कंडक्टिविटी लो एट द सरफेस टू रेसिस्ट इनकमिंग ऑफ द हीट एंड High at the core of the quickly dissipate the heat generated. Resist to incoming heat. Incoming heat को resist करना चाहिए. And quickly dissipate the heat entered. जो heat उसमें enter हो गया है, उसको quickly dissipate करना चाहिए. High heat resistance and stiffness. Heat resistance हाई होना चाहिए एंड स्टिफनेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरेबिलिटी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरेबिलिटी का मतलब है इजीली मैन्युफैक्चरेबल, इजीली उसको बनाया जा सके, इजी
इजीली उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकते, एंड द अवेलेबल होना चाहिए एंड द लो कॉस्ट होना चाहिए, है ना, लो कॉस्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, दीज आर द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल, दीज आर द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल, ये आपको कटिंग टूल मटेरियल होना चाहिए सो दैट द अर्ली टूल फेलोवर आपको नहीं हो, है ना। तो दूसरा टूल लाइफ, द टूल लाइफ जनरली इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और द सर्विस रेंडर्ड बाय ए फ्रेश टूल और कटिंग पॉइंट टिल इट इज डिक्लेयर्ड फेल्ड, दिस इज द टूल लाइफ डेफिनेशन ऑफ द टूल लाइफ। Tool life generally indicates the amount of the satisfactory performance or service rendered by a fresh tool or a cutting point till it declared failed. Tool life is defined in the two ways. In R&D, actual machining time period by which a fresh cutting tool or satisfactory work after which it needs replacement or the reconditioning. Tool life ka matlab hai, एक्चुअल मशीनिंग टाइम पीरियड बाय विच ए फ्रेश कटिंग टूल और पॉइंट सेटिस्फैक्ट्री वर्क्स आफ्टर विच इट नीड्स रिप्लेसमेंट और द रिकंडीशनिंग। द मॉडर्न टूल्स हार्डली फेल्स परमानेंटली और एब्रप्टली बाय द मैकेनिकल ब्रेकेज, दोज फेल मोस्टली बाय द वीरिंग प्रोसेस विच सिस्टमेटिकली ग्रो स्लोली विद द मशीनिंग टाइम। इन दैट केस द टूल लाइफ मीन्स the span of the actual machining time by which a fresh tool can work before the attaining the specific limit of the tool wear, hai na, ye aapko tool life ka aapko matlab hai. Tool life means the span of the actual machining time by which a fresh tool can work before attaining the specified limit of the tool wear. टूल बियर होने के पहले जो मशीनिंग टाइम है वो आपको गेन करता है, वो आपको टूल लाइफ कहलाता है। टूल लाइफ इज डिसाइडेड बाय द मशीनिंग टाइम टिल द फ्लैंक वियर, है ना, टूल लाइफ इज डिसाइडेड बाय द मशीनिंग टाइम टिल द फ्लैंक वियर। इन इंडस्ट्री और द शॉप फ्लोर द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री सर्विस और अमाउंट of the acceptable output provided by the fresh tool wear prior to it is required to the replace or the recondition. Industry or the shop floor. And assessment of the tool life. कैसे जो है आपको tool life को assess करेंगे? For R&D purpose, tool life is always assessed or expressed by the span of the machining time in minutes. मिनट्स में आपको एक्सप्रेस किया जाता है। वेयर आज इन इंडस्ट्री बिसाइड मशीनिंग टाइम इन मिनट्स सम अदर मींस आल्सो यूज्ड टू असेस द टूल लाइफ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सच एज नंबर ऑफ पीसेस ऑफ द वर्क मशीन, कितने नंबर ऑफ द पीसेस आपको मशीन किए गए हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड, कितना जो है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव किया गया है, टोटल लेंथ ऑफ कट कितना किया गया है। टूल लाइफ इससे भी जो है एसेस किया जाता है, नंबर ऑफ पीस कितने पीसेस आपको मशीन किए गए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड कितना है, टोटल लेंथ ऑफ कट कितना है, इससे भी जो है आपको एसेस किया जाता है, है ना, असेसमेंट ऑफ द टूल लाइफ इसके आधार पर भी आपको होता है ना, उसके आधार पर भी जो है आपको टूल लाइफ का असेसमेंट होता है। मेजरमेंट ऑफ द टूल वियर, the various methods are the by loss of the tool material in volume or weight in one lifetime. This method is crude and generally applicable for the critical tools like the grinding wheels. The loss of the tool material, usse bhi aapko grinding wheel mein kitna jo hai aapko material लॉस किया है उससे आपको मेजर किया जाता है। बाय ग्रूविंग एंड इंटेंशन मेथड, इन दिस अप्रोक्सीमेट मेथड वियर डेप्थ इज मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द ग्रूव, लेंथ ऑफ द ग्रूव से आपको मेजरमेंट किया जाता है टूल किया।
इंडेंटेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द वर्न एरिया, उस पर डिपेंड किया जाता है। यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फिटेड विद द माइक्रोमीटर, वेरी कॉमन एंड द इफेक्टिव मेटर। ऑप्टिकल माइक्रोब से इससे भी आपको मेजर किया जाता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ये आपको यूज किया जाता है जनरली फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टूल बियर। टूल बियर का जो है जनरली जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इससे मेजर किया जाता है। टेलीस्कोप स्पेशली फॉर द सेलो क्रेटरवियर, छोटा क्रेटरवियर को मेजर करने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये काफी महंगा इक्विपमेंट है, ये किसी किसी जो है इंस्टीट्यूट में आपको होता है, वहां पर आपको टूल वियर आपको मेजर किया जाता है ना, तो ये आपको महंगा इक्विपमेंट है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फिटेड विद द माइक्रोमीटर, उसके साथ ही मेजर किया जाता है, ये वेरी कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड है ना। बाय ग्रूविंग एंड इंडेंटेशन मेथड, इन दिस अप्रोक्सिमेट मेथड वियर डेप्थ इज मेजर डायरेक्टली बाय द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द ग्रूव और द इंटेंशन आउटसाइड द इनसाइड द वर्न एरिया, उससे भी मेजर किया जाता है। बाय लॉस ऑफ द टूल मटेरियल, आपको ग्राइंडिंग व्हील में कितना आपको मटेरियल लॉस किया उससे भी आपको मेजर किया जाता है, है ना। ये आपको मेजरमेंट ऑफ द टूल बियर, कैसे जो है टूल बियर को आपको मेजर किया जाता है, टेलीस्कोप से मेजर किया जाता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेजर किया जाता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से मेजर किया जाता है ना। तो ये आपको मेजरमेंट ऑफ द टूल बियर है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन आपको, ये इक्वेशन आपको टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन है, VTP पावर n इक्वल टू सी, है ना, VTP पावर n इक्वल टू सी, ये आपको टेलर्स लाइफ, टेलर्स टू लाइफ एक्सपोनेंट है। द वैल्यू ऑफ बोथ n एंड c डिपेंड मेनली अपॉन द टूल वर्क मटेरियल एंड द कटिंग इन्वायरमेंट, है ना। V इज द कटिंग स्पीड, T इज द टूल लाइफ एंड C इज द कॉन्स्टेंट, है ना। ये आपको टूल लाइफ का है, ये कटिंग स्पीड है, ये आपको ग्राफ प्लॉट किया गया, ग्राफ प्लॉट करके आपको जो है ये टेलर इक्वेशन आपको निकाला गया। टेलर प्लॉटेड द सेम फिगर, टेक बोथ वी एंड टी इन लॉग स्केल, ए मोर डिस्टिंक्ट लीनियर रिलेशनशिप एज ए स्कीमेटिकली साउंड इन द फिगर, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको कटिंग स्पीड है, कटिंग वेलोसिटी है, और ये टूल लाइफ है ना। ये हाइपरबोला आपको यहां पर आपको दिखाया गया। फ्लैंक वियर एंड ग्रोथ ऑफ द फ्लैंक वियर, मशीनिंग टाइम आपको यहां पर दिखाया गया, फ्लैंक वियर कैसे बढ़ता है, ये यहां आपको ग्रोथ ऑफ द कटिंग टूल वियर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। द टूल लाइफ ऑफ द एनी टूल फॉर एनी वर्क मटेरियल इज गवर्न मेनली बाय द कटिंग वेलोसिटी, फील्ड एंड डेप्थ ऑफ द कट, कटिंग वेलोसिटी इफेक्ट मैक्सिमम एंड डेप्थ ऑफ कट मिनिमम, है ना। ये आपको यहां पर आपको दिखाया जाता है, ग्रोथ ऑफ द फ्लैंक वियर एंड असेसमेंट ऑफ द टूल लाइफ, है ना। ये फ्लैंक वियर आपको दिखाया गया है, VC1, VC4, VC3, VC2, VC2 एंड VC1, है ना। ये आपको दिखाया गया है ना। ये आपको टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन है, और टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन का आपको यहां पर न्यूमेरिकल आपको यहां पर बताया गया है। इफ इन टर्निंग ए स्टील रॉड बाय द गिवन कटिंग टूल मटेरियल एंड ज्योमेट्री एट ए गिवन मशीनिंग कंडीशन अंडर ए गिवन एनवायरमेंट cutting fluid application, the tool life decreases from 80 minute to the 20 minute due to increase in the cutting velocity, VC from the 60 minute meter per minute to the 120 meter per minute. Then at what cutting velocity the life of the tool under the same condition and environment will be 40 minute. Assuming Taylor's tool life equation, VTN equal to C, V1 T1 equal to V2 T2, V2 T3, that is the constant.
V1 आपको 60 मीटर पर मिनट, T1 आपको 80 मिनट, V2 इक्वल टू 120 मीटर पर मिनट, T2 20 मीटर पर मिनट। तो V3 निकालना है, T3 आपको दिया हुआ है ना, आसान है। V1 T1 इक्वल टू V2 T2 है ना, इससे आपको n निकल जाएगा, n इक्वल टू 0.5 है ना। V1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, V3 आपको निकालना है। V3 बाय V1 हो गया, T1 बाय T3 हो गया, V3 आपको निकल जाएगा है ना। ये आपको टेलर लाइफ इक्वेशन का आपको न्यूमेरिकल प्लान कटिंग स्पीड क्या है वो आपको टेलर लाइफ इक्वेशन से आपको यहां पर आपको निकल जाता है ना। तो ये आपको टूल लाइफ है, आज यहीं तक रहने देते हैं। टूल वियर के बारे में पढ़ना था, हाउ द टूल वियर हैपन्स, तो मेजरमेंट ऑफ द टूल वियर, कैसे मेजरमेंट करते हैं टूल वियर को, असेसमेंट ऑफ द टूल लाइफ कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ द वर्क मशीन, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल नंबर, टोटल लेंथ ऑफ द कट है ना। ये आपको टूल वियर के बारे में, टूल लाइफ का क्या डिफिनेशन है, कैसे टूल लाइफ आपको मेजर किया जाता है ना। टूल लाइफ मीन्स द स्पेन ऑफ द एक्चुअल मशीनिंग टाइम व्हाई बीच ए फ्रेश टूल कैन वर्क बिफोर द अटेनिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द टूल वियर है ना। ये टूल लाइफ का इक्वेशन आपको दिया गया है। एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग टूल वियर, जिससे कि अर्ली टूल फेल्योर आपको नहीं हो, ये सारे प्रॉपर्टी हैं, जिससे कि टूल वियर आपको नहीं हो, ये सारे एसेंशियल प्रॉपर्टी हैं है ना, ये सारे एसेंशियल प्रॉपर्टी हैं। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द TRA, फ्रैक्चर टफनेस हाई और एटलीस्ट एडेक्वेट, हाई हार्डनेस और द एब्रेशन रेसिस्टेंस, हाई हॉट हार्डनेस टू रेसिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रिड्यूस द वियर रेट है ना। हाई हॉट हार्डनेस होना चाहिए, हाई हॉट हार्डनेस का मतलब है एट द हाइयर टेम्परेचर हार्डनेस होना चाहिए, एट द हाइयर टेम्परेचर आपको रेसिस्ट करना चाहिए, इसको हॉट हार्डनेस बोलते हैं, टू रेसिस्ट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये आपको देना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए और इनर्टनेस होना चाहिए अगेंस्ट द वर्क मटेरियल, आपको ये होना चाहिए। रेसिस्टेंस टू एडेशन एंड द डिफ्यूजन होना चाहिए, ये आपको यहां पे होना चाहिए। फ्रैक्चर टफनेस होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव टेक्निकल, ये आपको होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी, रेसिस्ट टू इनकमिंग हीट होना चाहिए, हीट उसमें एंटर नहीं करे, बट क्विकली डिसिपेट द हीट जनरेट इंटर, जो हीट उसमें आपको इंटर हो गया है वो क्विकली डिसिपेट कर दे। हाई हीट रेसिस्टेंस एंड स्टिफनेस होना चाहिए, एबिलिटी एंड द लो कॉस्ट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरेबिलिटी होना चाहिए, ये आपको कटिंग टूल का, आपको मटेरियल का, आपको प्रॉपर्टी यहां पर आपको बताया गया है ना। टूल वियर से क्या इफेक्ट होते हैं यहां पर आपको बताया जा रहा है। अल्टीमेट टूल फेल्यूअर से क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये आपको यहां पर आपको बताया जाता है। इंक्रीज इन द कटिंग फोर्सेस, कटिंग फोर्सेस आपका इंक्रीज हो जाता है, पावर कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो जाता है, मेनली ड्यू टू द प्रिंसिपल फ्लैंक वियर, पावर कंजम्पशन, कटिंग फोर्सेस आपका इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन द डायमेंशनल डेविएशन, आपको डायमेंशनल डेविएशन आपको बढ़ जाता है, सरफेस रफनेस आपका बढ़ जाता है, ड्यू टू द वियर ऑफ द टूल ट्यूब एंड एक्जरी फ्लैंक वियर, और साउंड आने लगता है एंड वाइब्रेशन आने लगता है, और साउंड एंड वाइब्रेशन आने लगता है, वर्सनिंग सरफेस इंटीग्रिटी वो आपको आने लगता है, वर्सनिंग सरफेस इंटीग्रिटी वो आपको आने लगता है, मैकेनिकली वीकनिंग ऑफ द टूल टिप आपको ये आपको होने लगता है, आपको सरफेस इंटीग्रिटी वर्सन हो जाता है, और साउंड आने लगता है, वाइब्रेशन आने लगता है ना। तो ये आपको इफेक्ट है कॉज्ड बाय द ग्रोइंग टूल वियर, ग्रोइंग टूल वियर्स का आपको ये आपको काउज है। है ना,
these are the flowing fats are also caused by the growing tool wear. ये इसके आपके काउज है जो आपको वियर होता है. वियर पैटर्न आपको यहां पर आपको दिखाया गया है. वियर पैटर्न ये सारे वियर का इंटरमीडिएट कटिंग एज, मेन कटिंग एज, मेन कटिंग एज, एवरेज वियर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना. प्लेनसिंग एज वियर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है. इंटरमीडिएट एज वियर आपको यहां पर फोटोग्राफ में आपको दिखाया गया है. पहले मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर उसके बाद जो है लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट. ट्वेल्व दीपांशु चौधरी इज प्रेजेंट. चंदन शाह एट इज प्रेजेंट. हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट. नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट. ऋषभ नायक 54 इज प्रेजेंट. शेखर जी 41 इज प्रेजेंट. अभिषेक कौर कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट. अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट. हृदेश जी 19 इंच प्रेजेंट. जैनेश चौहान जी 22 इंच प्रेजेंट. कार्तिक जी 24 इंच प्रेजेंट. है ना, तो जो जो प्रेजेंट है, कार्तिक जी 24, जैनेश चौहान जी 22, हृदेश जी 19, अभिषेक कुमार दुबे जी 2, शेखर जी 41, ऋषभ नायक जी 54, नंदिनी जी 29, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, दीपांशु चौधरी जी 12, 39 रौनक कुमार जी एंड राहुल जी 32 वो एंटर कर रहे हैं. राहुल जी 32 वो भी प्रेजेंट है. आपका सिलेबस गेज डिजाइन बच रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ द गेजेज वो मैं और जो है आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. सिर्फ गेजेज, डिफरेंट टाइप का गेजेज, गेज डिजाइन वो आपको रह रहा है. अटेंडेंस लगी सर? हाँ, आपका आपका क्या नाम है? राहुल. हाँ, राहुल का लगा दिया मैंने, राहुल जी का लगा दिया. 32 का लगा दिया. तो हाँ, तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया. कहीं पे आपको किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप हमें फोन से कांटेक्ट करके, मेल करके आप हमें जानकारी ले सकते हैं, है ना. तो आपको लेक्चर वीडियो भेज दिया गया है, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होगी. आपको आप उसको देख करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, इसीलिए आपको कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना. तो ये 23 तक जो है आपको क्लास लेने के लिए बोला जा रहा है. कल आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर 23 तक आपका एक दो टॉपिक आपको रिवाइज कर देंगे, रिवीजन कर देंगे, है ना. तो यहाँ पर आपको जो है आपको क्रिएटर वियर आपको दिखाया जा रहा है कि क्रिएटर वियर यहाँ पे होता है. ग्रोइंग वियर आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ग्रोइंग वियर आपको यहाँ पर होता है. और फ्लैंक वियर आपको प्रिंसिपल फ्लैंक पे आपको यहाँ पर होता है, वो आपको दिखाया जा रहा है. फ्लैंक वियर आपको दिखाया जा रहा है ना. ये आपको नोचेज, आपको क्रेटर वियर, आपको रेक फेस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना. ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना. है ना, तो जो वियर होता है ये मैकेनिकल वियर होता है,
थर्मोकेमिकल बियर होता है, केमिकल बियर होता है और गैल्वेनिक बियर होता है ना। जो आपको थर्मल इंसेंसिटिव टाइप लाइक एब्रेशन, चिपिंग एंड द डेलिमेशन, ये आपको मैकेनिकल बियर है। थर्मल सेंसिटिव लाइक एडेशन, फ्रैक्चरिंग एंड द फ्लैकिंग, ये आपको मैकेनिकल बियर है। माइक्रो डिफ्यूजन बाय द मास डिसोल्यूशन, ये थर्मोकेमिकल बियर है। माइक्रो डिफ्यूजन बाय द एटॉमिक माइग्रेशन, ये आपको थर्मोकेमिकल बियर है ना। डिफ्यूजन बियर में क्या होता है कि मटेरियल फ्रॉम द टूल एट रबिंग सरफेस पार्कुलरली एट द रेक फेस ग्रेजुअली डिफ्यूजेज इनटू द फ्लोइंग चिप्स एटम बाय एटम, है ना। ये आपको डिफ्यूजन बियर है। Diffusion beer become poisonous when the cutting temperature becomes very high due to the high cutting velocity and high strength of the work material. And chemical beer leading to damage like growing beer, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। And जो आपको tool failure है, कटिंग टूल मेनली फेल बाय द मैकेनिकल ब्रेकेज, मैकेनिकल ब्रेकेज से आपको फेल करता है ड्यू टू द एक्सेसिव फोर्सेस एंड द शॉक्स, एक्सेसिव मैकेनिकल शॉक्स लगता है, एक्सेसिव फोर्सेस लगता है, उससे आपको आपको ब्रेकेज करता है ना। सच काइंड ऑफ द फेल्यूअर इज द रैंडम एंड आर एक्सट्रीमली डिटरमेंटल, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कब ये फेल करेगा, इसको मैकेनिकल ब्रेकेज से आपको फेल होता है। दूसरा आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू द इंटेंसिव स्ट्रेसेस के द्वारा फेल होता है, टेम्परेचर के द्वारा फेल होता है, हाई टेम्परेचर के द्वारा फेल होता है, इंटेंसिव स्ट्रेसेस के द्वारा आपको फेल होता है। दिस टाइप ऑफ द फेल्योर आल्सो ओकर्स रैपिडली एंड आर क्वाइट डिटरमेंटल एंड द अनवांटेड, है ना। इंटेंसिव स्ट्रेस लगता है और टेम्परेचर लगता है, उससे आपको फेल होता है। ग्रेजुअल वियर ऑफ द कटिंग टूल इट्स फ्लैंक एंड द रेक सर्फेस, ग्रेजुअल वियर आपको कटिंग टूल पे, आपको इसके फ्लैंक पे और रेक सरफेस पे होता है, उससे आपको फेल होता है। ग्रेजुअल वियर धीरे धीरे जो है फ्लैंक वियर कर जाता है, रेक सरफेस वियर कर जाता है, है ना। ये आपको ग्रेजुअल वियर है। ग्रेजुअल वियर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, ग्रेजुअल वियर को आप जो है प्रिवेंट आप नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो पहले टू टाइप का जो फेल्यूअर है वो आपको हार्मफुल है फॉर द जॉब एंड द मशीन टूल, मशीन ब्रेकेज कर जाता है, अचानक आपको ब्रेक कर जाता है ना। ये आपको फेल्यूअर ऑफ द कटिंग टूल है। इसी के बारे में आज हाउ द टूल गेट फेल्यूअर, हाउ द टूल वियर, उसी के बारे में आज स्टडी कर लें। ये आपको कटिंग टूल बियर है, कितने तरह का आपको बियर होता है, ये आपको ज्योमेट्री एंड मेजर फीचर्स ऑफ द टर्निंग टूल्स, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फ्लैंक दिया कि दिखाया गया है, ये आपको फ्लैंक वियर आपको दिखाया गया है, है ना। ये आपको ये वियर दिखाया गया है, केटी आपको वियर दिखाया गया है, केबी, केएम, ये सारा वियर दिखाया गया है, ये टूल का आपको पॉइंट का आपको वियर दिखाया गया है। है ना, टूल का पॉइंट का आपको वियर दिखाया गया है। ये आपको क्रेटर वियर है, ये आपको ग्रूविंग वियर है, ये आपको रेक सरफेस है, है ना। ये आपको फ्लैंक वियर दिखाया गया, ये प्रिंसिपल फ्लैंक दिखाया गया, ये आपको दिखाया गया वियर फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द वियर वियर पैटर्न ऑफ ए टर्निंग टूल इंसर्ट, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया फोटोग्राफिक व्यू, ये आपको यहां पर दिखाया गया है ना। फोटोग्राफिक व्यू वियर का आपको यहां पर दिखाया गया है। एक्चुअल वी एंड द वियर पैटर्न ऑफ द टूल वियर आपको यहां पर दिखाया गया है। टूल वियर का क्या क्या इफेक्ट है वो यहां पर आपको बताया गया है। इंक्रीज इन द कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स बढ़ जाता है जब टूल वियर कर लेगा ना, तो आपको कटिंग फोर्स ज्यादा लगेगा। जब आपका वियर हो जाएगा, आपका रेक नोज वगैरह जो है आपको वियर कर जाएगा, एब्रेशन वियर हो जाएगा,
फ्लैंक सरफेस वियर हो जाएगा तो आपको कटिंग फोर्सेस आपको ज्यादा लगेगा, पावर कंजप्शन आपको ज्यादा लगेगा, है ना। दूसरा डायमेंशनल डेविएशन ज्यादा होगा, जब कटिंग करेंगे तो डायमेंशन में डेविएशन होगा, है ना। ऑड साउंड होगा एंड वाइब्रेशन होगा।